बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मंठार न्यूज़ के नाज़रीन और सामिन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंगला मंठार मेन पुल पे, जहाँ पर जो है थाना मंठार के एहलकारों ने जो है बिला नंबरी मोटरसाइकिलों के खिलाफ जो है डीपीओ रहीम यार खान की हिदायत पर जो है नाकाबंदी लगाई हुई है। तो यहाँ पर जो है कुछ एहलकारों ने जो है मोटरसाइकिल रोके भी हैं और उनको जो है पकड़ भी रहे हैं। जो बिला नंबरी मोटरसाइकिल हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। तो इस वक्त जो है मौके पर मौजूद हैं एएसआई महबूब सरवर साहब, जो मोटरसाइकिलों को रोक रहे हैं और जिन मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेटें लगी हुई हैं उनको जो है कागजात अपने साथ रखने की तनबीह की जाती है, और जिनके कागजात नहीं हैं जो बग़ैर नंबर मोटरसाइकिल हैं उनको जो है थाने बंद किया जाता है। तो इस वक्त ये इन्होंने मेन पुल पे जो है बंगला मंठार मेन के पुल के ऊपर जो है मुसलसल काफ़ी दिनों से जो है थाना मंठार की तरफ से जो है नाकाबंदी की जा रही है बग़ैर नंबरी मोटरसाइकिलों के खिलाफ। तो ये मैं आपको लाइव मनाजर दिखा रहा हूँ मंठार पुल से, जहाँ पर जो है थाना मंठार की के एहलकारों ने जो है बिला नंबरी मोटरसाइकिलों के खिलाफ जो है वो मुहिम शुरू की हुई है। हम उनसे कुछ बातें भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि जो है वो क्या जो है मामला, जो बिला नंबरी मोटरसाइकिलों हैं उनको किस तरह वो पकड़ते हैं और फिर जो है थाने में बंद करने के बाद उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती है। तो ये यहाँ पर मैं आपको लाइव मनाजर भी दिखा रहा हूँ, जहाँ पर जो है थाना मंठार की जानिब से जो है वो बिला नंबरी मोटरसाइकिलों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, जिन लोगों के पास जो है कागजात हैं वो जो है चले जाते हैं, उनको जो है थाने की तरफ से सिर्फ जो है एहलकारों की तरफ से तनबीह की जाती है। तो ये इलाके गैर इलाके से जो लोग जिनके ऊपर जो है शक गुजरता है थाना मंठार के एहलकारों को, उनकी जो है वो आईडी कार्ड भी चेक किया जाता है और उसका जो है एक ऐप्स के ज़रिए जो है मालूमात जो है उनके रिकॉर्ड के बारे में भी मालूमात ली जाती है कि आया इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई कहीं पे जो है एफआईआर वगैरह तो दर्ज नहीं है। शाम का वक्त है तो नाज़रीन ये मेन पुल है बंगला मंठार का, जहाँ पर जो है थाना मंठार के एहलकारों ने जो है बिला नंबरी मोटरसाइकिलों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया हुआ है और कुछ मोटरसाइकिलों को जो है पकड़ा रोका भी जा रहा है और पकड़ा भी जा रहा है। जो बिला नंबरी मोटरसाइकिलों हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जा रही है। तो एक मोटरसाइकिल रोका है, इसको देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है, इसके खिलाफ जो है कागज़ को नहीं क्या नहीं है। ये एक मोटरसाइकिल है जो बिला नंबरी, उसको वेरिफिकेशन के बाद जो है वो ये थाना मंठार की जानिब से जो है नाकाबंदी की हुई है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एएसआई महबूब सरवर, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या चेक कर रहे हैं। कानून की पासदारी जो है हर शहरी पे जो है फ़र्ज़ है, कानून की पासदारी करनी चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए। हुकूमत की तरफ से ये बिला नंबरी मोटरसाइकिलों के खिलाफ जो क्रैकडाउन है ये बिल्कुल एक लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ में इसमें जो है रिलीफ भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि 2020-21 के जो नए मोटरसाइकिल हैं इनके जो है सिर्फ नंबर इशू किए गए हैं और उनके पास जो है कागजात जो है बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे मोटरसाइकिलों को भी रिलीफ दिया जाना चाहिए जिनके जो है कागजात सिर्फ नंबर लगा हुआ है और नंबर पे ये कागजात भी थाने की तरफ से चेक किए जाते हैं और बिला नंबरी जो मोटरसाइकिल हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाती है। तो ये थाना मंठार की जानिब से ये एक बिला नंबरी मोटरसाइकिल रोका है। ये मेन पुल पे जो है एक मोटरसाइकिल रोकी है जो बगैर नंबर की है,
उससे जो कागजात वगैरह पूछे जा रहे हैं, अगर कागजात उसके पास हुए नंबर प्लेट तो फिर जो है उसको गाड़ी वापस कर दी जाएगी, अगर उसके पास कागजात ना हुए तो फिर जो है ये गाड़ी थाने बंद कर दी जाएगी। तो इस वक्त जो है एहलकार गाड़ी को थाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आइए आप जानते हैं एएसआई महबूब सरवर साहब से कि इस जो है मुहिम में उन्होंने कितनी गाड़ी, एएसआई महबूब साहब कि उन्होंने कितनी गाड़ी जो है रोकी है और ये सूरत हाल असल में है क्या। आप इस वक्त मौजूद हैं एएसआई महबूब साहब, इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी महबूब साहब बताइएगा। जनाब ये डीपीओ साहब के हुक्म से हमने नाकाबंदी लगाई हुई है, यहाँ पर एक नई पुलिस की तरफ से ऐप मुतारफ कराई गई है जिसमें शनाख्ती कार्ड नंबर देने से अगर कोई सस्पेक्टेड होगा, कोई इश्तहारी होगा तो उसका हमें पता चल जाता है। इसके अलावा बिला नंबर मोटरसाइकिलों की और जो मोटरसाइकिल के बिला कागजात वगैरह अपने पास नहीं है वो भी हम चेक कर रहे हैं और लोगों को हिदायत कर रहे हैं कि भी अपने कागजात रखवाएँ, अपने मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन करवाएँ, नहीं तो उनके लिए मुश्किल पैदा होगी। तो जी नाज़रीन मेरे साथ महबूब साहब थे जिन्होंने जो है आपको मोटरसाइकिलों के मुताबिक बताया कि बिला नंबरी मोटरसाइकिलों के खिलाफ जो है कैसे कार्रवाई की जा रही है और डीपीओ साहब के हुक्म के मुताबिक जो है ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो हमने आपको जो है मोटरसाइकिलों की बिला नंबरी रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया और उनकी नाकाबंदी के मुताबिक भी आपको दिखाया। तो देखते रहिए मंठार न्यूज़ ये थाने की तरफ से जो है यहाँ पर नाका लगाया गया है।